रंजीत, आपको स्क्रीन अब नजर आ रही है? यस सर। चलिए स्टार्ट। गुड मधिकर मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने हमें दोबारा से इस बिजनेस प्लान को शुनाने का मौका दिया। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ एक स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि अवसरों की दुनिया में आप स्वागत है। कौन से अवसर, कैसा अवसर? आज हम सब अवसरों की दुनिया में एक तरफ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ अवसर मिलेगा, कैसा। जस्ट लाइक हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि वो अवसर कौन सा होगा और कहाँ होगा। आपको दो तरफ में एक ड्रीम्स और एक रियलिटी आप सभी को नजर आते होंगे। आप एक तरफ देख रहे हैं कि फोर व्हीलर लगी हुई है और दूसरी तरफ रियलिटी की जिंदगी में एक बाइक से चलते हुए कई लोग, फैमिली का पूरे मेंबर्स इस पर जा रहे हैं। दोनों में फर्क क्या? हर कोई कह रहा है कि हमें फोर व्हीलर चाहिए, लेकिन आज वाकई में फोर व्हीलर हो नहीं पाता। एक हमारा ड्रीम्स रह जाता है और हम अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं टू व्हीलर पर गुजार देते हैं। लेकिन आपको फिर दूसरे नीचे में जस्ट लाइक आप जाएंगे, देखेंगे एक लेडीज रियलिटी जिंदगी में किचन में काम कर रही है। क्या हम सब लेडीज या फिर घर में जो भी है, क्या हमारा वहीं तक एक जिंदगी सिमट करके रह जाना चाहिए? उनसे भी पूछा जाए कि क्या आपके सपने हैं, उधर से भी आंसर आएगा कि हाँ सच में मेरे पास सपना है। लेकिन क्या होता वो सपना का छुपा करके दबा करके वहीं तक, वाय इसके पीछे कुछ रीजन है। लेकिन दूसरी तरफ आप ड्रीम्स में देख रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी होटल में जा करके अपने हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तीसरे जो नीचे के सबसे नीचे में है, वहां आप रियलिटी में देख रहे हैं कि किसी पार्क में पूरे फैमिली के साथ पिकनिक पर हैं। और वही दूसरे आपके ड्रीम्स के तरफ जो है, वही पिकनिक में बच्चे आनंदित हो रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे कुछ सपने अलग रहती है, लेकिन रियल जिंदगी कुछ ऐसे ही बीत जाता है। कारण होता है कि उसके पीछे हमें पैसे की जरूरत होती है। जस्ट लाइक इन दोनों में वाय है कि क्यों आखिर ऐसा हो पाता है और दोनों का लाइफ इतना ही डिफरेंट क्यों रह जाता है। हम देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो पाता है। यहाँ देख रहे हैं कि फोर टाइप्स ऑफ पीपल, यहाँ चार टाइप्स के लोग आपको दिखाया जा रहा है। E फॉर एम्प्लॉय है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय है, B फॉर बिजनेसमैन है और I फॉर इन्वेस्टर है। ये बहुत बड़े रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक पुस्तक में इन डाटाओं के द्वारा हमें बताने का कोशिश किया, हम सभी को बताने का कोशिश किया कि आप इन चार तरह से इनकम को अर्निंग कर सकते हैं। दो तरफ जो आपके बाएं तरफ है वो इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय का है। इधर आपका डाटा कहता है कि 95% लोग आज नौकरी और सेल्फ इम्प्लॉय में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जहां वो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, लिमिटेड इनकम में रहते हैं और वो एक्टिव इनकम। अब हम देखते हैं कि दूसरी स्लाइड जो आप हमारे दाएं तरफ देख रहे हैं, उधर आपका बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, जहां टीम वर्क से काम होता है और अनलिमिटेड इनकम होता है और पैसिव इनकम होता है। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है कि आपको दाई तरफ जो भी इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय है वो 95% मात्र 5% पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन इधर जो आप दाहिने तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को देख रहे हैं, वो आपको जो है ना दुनिया 5% लोग जो है 95% धन उनके हाथ में है। दोनों में डिफरेंट है कि सोच का रहता है, हमें कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और हम अपने, अब दोनों तरफ में अंतर क्या है कि यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट हम खुद करते हैं, एक्टिव में हम जब जब ड्यूटी या जब जब दुकान या जब जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तभी पैसा आता है। लेकिन इधर जो आप टीम वर्क देख रहे हैं, पैसिव इनकम देख रहे हैं, वहां हम घंटों से घंटों बनाते हैं, एक वहां काम नहीं करते हैं, अनेकों काम करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन इन दोनों में है। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जियो का मालिक धीरू भाई अंबानी, उन्होंने जस्ट लाइक फ्री सिम देना शुरू किया और आज देखो कि सारे जगह जियो का नेटवर्क फैला करके उन्होंने हर एक जगह से पैसा कमा रहे। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क और अनलिमिटेड इनकम और पैसिव, आज वो धीरू भाई अंबानी रहे ना रहे, फिर भी उनके घर में
आज इनकम जाएगा। तो जस्ट लाइक हम क्या फ्रेंड्स सोच पा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में रहते हैं। देखते हैं जरा आगे के स्लाइडर में कि कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का एक्सपेंसिव क्या होता है और उस फैमिली के एक्सपेंसिव कैसे दर बदर बढ़ते बढ़ते डाटा बढ़ के आ जाता है। वहां हमको कहीं ना कहीं एक डाटा के द्वारा दिखाया गया कि आप 1940 में जिस घर को चलने के लिए एक फैमिली का एक्सपेंस खर्च को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, और ये भी डाटा बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, उन्हें ये डाटा को दिए हैं, और वो 1940 में जिस घर को 10 रुपया चलने में चाहिए था खर्च था, वही 20 साल के बाद 1960 में 100 रुपया। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं इस डाटा में कि कहीं ना कहीं 20 साल के दौरान 10 गुना हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम अपनी इनकम 10 गुना बढ़ा पा रहे हैं? कहने का मतलब कि पहले एक कमाओ 10 खाओ था, लेकिन 1960 से जब 20 साल बाद और जाते हैं वही हमें डाटा उभर के आता है। अब ये कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब 2000 ईस्वी में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घर की खर्च 10,000 आया, और यही 2000 ईस्वी ऐसा ईस्वी है जहां हम महिलाओं को भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में और घर से बाहर निकल करके काम करने के लिए जाना पड़ा। अब ये 2020 हम वर्तमान जिंदगी जी रहे हैं, जिस घर में आज 1 लाख से प्लस इनकम नहीं है उस घर की हालात आप हम सब देख पा रहे हैं, और जिस फैमिली में रह रहे वहां भी देख रहे हैं कि क्या हमारे घर अच्छे से चल रहा है, क्या हम अपनी जिंदगी लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं या जिंदगी को काट रहे हैं। सिर्फ हमारे ऊपर यह फर्क पड़ता है। ये डाटा हम सबको इसलिए दिया गया है कहीं ना कहीं आज हमारी इसकी आवश्यकताएं हैं। आगे हम देखते हैं कि ये आखिर फैमिली एक्सपेंसिव इतनी खर्च बढ़ते जा रहे उसके लिए क्या हो सकता। आप ऊपर में देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस जहां हम खुद खरीदते हैं और खुद खर्च करते हैं, जहां एक इंडस्ट्रीज को दिखाया गया फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के बाद कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी माल बनता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद का होलसेलर और उसके बाद रिटेलर और फिर कंज्यूमर। एक प्रश्न उठकर के आता है कि क्या कस्टमर बनना या कंज्यूमर बनना हमारा मजबूरी है या अवसर है? तो आंसर यही आएगा कि हमारा आज के डेट में मजबूरी है। इसलिए है कि हम सारे जितने भी दिनचर्या में प्रोडक्ट्स को उपयोग करते हैं वो सारा बना नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से कंज्यूम करते हैं, और कस्टमर का मतलब ही है कि कष्ट में मरना। हम जिस दिन से जन्म भी नहीं लेते हैं और मरने तक हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कस्टमर रहते हैं। अब एज ए फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस बिजनेस के द्वारा हम कहीं ना कहीं होश से पहले भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कंज्यूमर या कस्टमर रहते हैं। अब इसी चीजों को नेटवर्क मार्केटिंग में जहां यू बाय और यू अर्न, जहां हम पैसे को खर्च करेंगे वही पैसे को बचत करने के लिए एक फैक्ट्रीज है, और फैक्ट्रीज के बाद एक कस्टमर को दिया गया है, और कस्टमर के द्वारा हर लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो यहाँ हमारा कस्टमर बनना मजबूरी नहीं होगा, यहाँ कस्टमर बनना अवसर हो सकता है। अब ये मार्केटिंग का रूल्स है जहां आपको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको हीरो और हीरोइन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को वहां रुपया देते हैं और वो सारा पैसा कस्टमर का होता है। वही हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कहीं ना कहीं वो सारा हम लोगों के बीच में इस अवसर के द्वारा दिया जाता है। तो एज ए फ्रेंड्स देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बहुत सारे सुने हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने भी कहा कि जो 20वीं सदी होगा वहां सबसे फास्ट ग्रोथिंग मार्केटिंग होगा, और जो हर युवा और युवती को ये चाहिए, और जिन्होंने ये चीज नहीं कर पाएंगे वो हमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर वहीं दूसरी जगह देख रहे हैं कि रॉबर्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने कहा कि ये गुड जॉब होगा। आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्पोरेट में काम करके अपना सिर्फ 8 और 10 घंटा एक्सपेंड करते हैं, लेकिन बस उससे जिंदगी चलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आपको जिंदगी नहीं, आपको जिंदगी को जीने की एक तरीका सिखाने का
अवसर मुहैया कराया जाता है। तो आगे देखते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं हम सब जिस अवसर को तलाश करते हैं वो कहीं ना कहीं हम सबों के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने इस पर बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन्होंने कहा। आगे हम देखते हैं कि वो वेलकम मोदी केयर द वर्ल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी आपको फिर से स्वागत करती है कि मोदी केयर आपको वर्ल्ड का कैसे अपॉर्चुनिटी से मुहैया करते हैं। हम चलते हैं मोदी ग्रुप्स, एक लेक्सी कंपनी है। इन्होंने 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी शहर ने उन्होंने एक चीनी मिल से इस लेगेसी को शुरू किया था। आज वो इंडस्ट्रीज को बढ़ाते बढ़ाते 27 इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट किए और इनके दूसरे जनरेशन के मोदी ने इन चीजों को बहुत ही अच्छे नेशन बिल्डर भी थे और इन चीजों को बहुत दूर दूर तक के क्या की कह रहे हैं कि 90 कंट्रीज तक और 28,000 एम्प्लॉय के साथ इन्होंने इस बिजनेस को बहुत बड़ा अंजाम दिए। और तीसरे जनरेशन जैसे कहा जाता है ना कि दादे वैसे पिता वैसे पोते, जहां इन्होंने एक ही नारा दिया समीर मोदी आजादी प्लान, उन्होंने कहा कि वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट्स कंपनी का होगा और उनका एक ही मकसद होगा कि हम सब आजाद कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हमारी भारत को आजाद हुई कई वर्ष गुजर गए लेकिन आज भी हम फ्रीडम पैसे से हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाए हैं। आज मोदी केयर 25 लाख कंसल्टेंट हैं और फाउंडिंग मेंबर इडसा से हैं जो इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन की पहले मेंबर हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव और बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में आज ये मोदी केयर उभरता हुआ आज हमारे विश्व में छाता जा रहा है। मोदी केयर जो इतनी बड़ी लेगसी है, के मोदी ग्रुप्स कंपनी जहां टी सिटी है, 24/7 का मॉल है, पान मसाला है, बहुत सारे है, ये सारे कहीं ना कहीं हम सबके बीच आज कलर बार कॉस्मेटिक ये सारे के सारे है। फ्रेंड्स हम देखे कि ये मोदी केयर हम सब के लिए एक अवसर के रूप में लाए, ना कि इनका एक मकसद था कि आप आजाद कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसके इंडस्ट्रीज बहुत बड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि मोदी नगर, मोदी धागे, मोदी शुगर मिल, ये सारे ग्रुप्स ऑफ कंपनीज मोदी केयर का हैं। आगे देखते हैं कि आखिर मोदी केयर के द्वारा जो दिए जाते हैं वो एक ही चीज की, क्या आप अपने सपना पूरा करना चाहते हैं? तो हम सबको एक ही आंसर आएंगे कि इसके लिए करना क्या है। अब हमें डिसाइड और डिसीजन लेने के है कि करना क्या है। जो हम सब करते हैं, आप लोगों से एक प्रश्न है कि हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं? तो आंसर यही आएगा कि हम सब नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, सभी पेस्ट करते हैं। कितने लोगों के घर में चाय बनती है? तो सभी के घर में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है। यही आंसर आएंगे कि सभी के घर में होते हैं, आखिर ये करने से होगा क्या? तो हम आगे देखते हैं कि यह सब सामान जो हम मुंह धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनता है, तो यह सब सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? कहीं ना कहीं बिग बाजार हो गया, मॉल हो गया, यही सबसे खरीदते हैं। फिर देखते हैं कि अगर यह सब सामान हम पहले की तरह ही खरीदते रहते हैं तो यह केवल हमारा खर्चा ही बना रहेगा। अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा? फ्रेंड्स जो चीज हम पहले करते थे वही चीज अब करेंगे तो क्या होगा? चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। तो हमारे पास मोर देन 600 प्रोडक्ट्स हैं, 11 कैटेगरीज में है, जिसमें पर्सनल केयर है, होम केयर है, स्किन केयर है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर का है, प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से माइटी गार्ड बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट्स आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। इसके लिए हमारे कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलते हैं, आप सब इन चीजों को देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। जैसे ही हम मोदी केयर का प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते हैं तो हमें मिलता है लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, यानी जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा। आज तक जहां हम एमआरपी का मोहताज रहते हैं, जिस
किसी भी दुकान से लेते हैं, हम कहीं ना कहीं उदाहरण देते हैं कि मैं फलाना का ये हूँ, चिलाना का ये। मोदी केयर आपको जैसे ही आपको प्रोडक्ट देना शुरू करते हैं, एमआरपी से छुटकारा के साथ देते हैं, और साथ ही हर प्रोडक्ट पर आपको 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी के साथ देते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिनों के अंदर 25% इस्तेमाल करने के बावजूद पसंद नहीं आने पर आप वापस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि एक लौती कंपनी है जिन्होंने हर प्रोडक्ट पर आपको ये मोहर लगा के देती है, कहती है कि आई पर्सनली गारंटी फुल डिपेंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विथ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ऐसी गारंटी के साथ देने वाली एक ही कंपनी है जिसका नाम है मोदी केयर, और मोदी केयर का एक ही मकसद है, समीर मोदी आजादी प्लान के द्वारा हम भारतवासी कैसे आजाद हो पाए, अपनी ही जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर अपने ही खर्चे को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं और बिजनेस वॉल्यूम को 7% से लेकर के 22% तक कमाना भी शुरू कर देते हैं। कितने गर्व की बात है। अब हमारे मोदी के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको स्लैब के द्वारा 1000 का यदि आप लेते हैं तो मंथली ऑफर भी है, स्पेशल ऑफर भी है, ऑन गोइंग एफर्ट्स और क्लोजिंग, ये चार तरीके से आपको 1000 का स्लैब 100% से 10% का जो गिफ्ट मिलते हैं वो आपको कम से कम 1000 रुपया में 100 रुपया का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। 2000 का आप प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं एमआरपी के बाद फिर भी आपको 200 का सामान फ्री मिल जाता है, और कहीं ना कहीं 3000 5000 ये सारा स्लैब है। आप ये इस तरह से जब आपकी परचेजिंग होती है तो हमें 10% का गिफ्ट हाथों हाथ मिल जाता है। फ्रेंड्स, किसी दुकान में ऐसी चीजें और इस तरह का गिफ्ट आइटम कभी भी नहीं दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कस्टमर को इस प्रकार के प्रोग्राम से देते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम हम कहीं ना कहीं पेस्ट की साबुन कहे सारे का सारे किसी ना किसी दुकान से खरीदते हैं और हम उस चीज का लॉयल बन जाते हैं। अब हमको चाहिए पेस्ट तो यही चाहिए, साबुन चाहिए तो यही चाहिए, तो हमारे मोदी केयर के यहाँ से आप लॉयल्टी प्रोग्राम में 2500 मिनिमम 2500 एंड अबव आपके घर की खर्चे जितनी भी हो आप यदि लेते हैं हर माह तो सातवें महीना 2500 से लेकर के 5000 तक का फ्री मिलता है। ये लॉयल्टी बेनिफिट जो है ना, लॉयल्टी प्रोग्राम जो है ना, हमारे यहाँ दी जाती है। यदि आपने सालों भर हमारे ही मोदी केयर के डीपी या एमएससी से आप जब भी परचेजिंग करते हैं तो साल का 3 महीना यहाँ आपको छूट ही नहीं बहुत बड़ा लूट हो रही है। हम सब इसका फायदा ले और लॉयल्टी प्रोग्राम के द्वारा हम अपने घर को बेहतर प्रोडक्ट्स ला करके और बेहतर करने का कोशिश करें। यहाँ आपको ये फैसिलिटी दी जाती है, आपको एक साल के अंदर कहीं ना कहीं अब आप औसत एवरेज के रूप में माने 15000 तक का फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ आपको एक साल के अंदर दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि अगर कस्टमर सिर्फ हैं कस्टमर बेनिफिट्स के रूप में देखें तो हम जब मार्केटिंग से परचेजिंग करते हैं तो ऑन एमआरपी 3600 का प्रोडक्ट्स लेंगे और हम मोदी केयर से वही सारा सामान 3000 में मिल जाएंगे, इसलिए कि आपको मार्केट में कोई तरह की छूट नहीं दी जाती है। यहाँ आपको 5% से लेकर 20% तक अप टू डिस्काउंट मिलता है जिस माध्यम से आपको 600 रुपया की बचत होंगी। फिर भी 10% का आपको मार्केट में कोई फ्री प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ 3000 के समथिंग 10% से एंड अबव 340 रुपया का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। बोनस आपको मार्केट में कभी भी आज तक नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ 3000 की परचेजिंग आपकी होती है तो आपको 105 रुपया का आपको बोनस आपके खाते में 9 तारीख तक में कंपनी कर देती है। लॉयल्टी प्रोग्राम यदि आप लॉयल कस्टमर हैं तो आपको उस माध्यम से 900 रुपया की बचत होती है। हम ऑलमोस्ट जोड़े 600 और 340, 105, 900 टोटल आपको 1945 रुपया की बचत होती है। कहाँ हमने 3000 रुपया लगाया और 1945 रुपया की बचत,
ये महा बचत है, बचत ही नहीं कहा जाए, अप टू आपको 50% बेनिफिट्स मिल जाता है और हमारे प्रोडक्ट्स आपको आधे दाम पर हो जाता है। क्या आप यह सभी बेनिफिट्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को या जानकारों को दिलाना चाहेंगे? तो आप सभी से उम्मीद है कि यस दिलाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है। सिर्फ एक ही काम करना है, दुकान को चेंज करना है, उससे हम कहीं ना कहीं 8 एरियाज ऑफ इनकम्स लेना शुरू कर देते हैं। पहले इनकम से है कि आपको 5 से 20% तक छूट, ना कहीं आपको रिटेल करने से आपको ये मिल जाता है। तीसरी बेनिफिट से जो है आपको 7 से 22% आपको एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। और तीसरा चौथा जो है आपको लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस है, पांचवा डायरेक्टर बोनस है, छठा आपका और ट्रेवल फंड है, फिर ड्रीम्स के लिए कार के लिए फंड है, फिर घर के लिए फंड है। ये सारे आपको खरीदारी करते 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 और आपने टीम को भी बिल्ड कर रहे हैं, तो ये सारे इनकम हम सब ले पाते हैं सिर्फ अपने घर का सामान बदलने। एक स्लाइडर है जिसमें हम देख सकते हैं कि मात्र हर मंथ सिर्फ 1000 1000 का भी हम खरीदारी करते हैं, 6 फ्रंट लाइन खोलते हैं और 6 फ्रंट लाइन के बाद हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हम जैसे शुरुआत करते हैं हम वैसे ही शुरुआत करें और अपने रिलेशन संबंधी दोस्त को कराएं तो हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। रंजीत जी, आपकी आवाज चली गई। तो इसलिए हम आप सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सब मोदी केयर में आकर के, मोदी केयर में ज्वाइन होने के लिए कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आप अपनी लाइसेंस लेने के लिए आधार कार्ड को इंक्लूड करते हैं, अपने नाम पता देते हैं और जैसे ही खरीदारी करते हैं अपने बैंक का डिटेल्स लगाइए। आप अगले मंथ में 9 तारीख को आपका पैसा आपके खाते में मिलेगा। तो हम सबको ये बिजनेस बहुत ही बिना इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ घर की जरूरत का सामान लेने से, यदि ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ हमें एक बिजनेस मिल रहा है तो हम सबको करना चाहिए और हम सब मिलकर के इस प्रोडक्ट्स का लाभ लें, प्रोडक्ट्स को फील करें, शेयर करें। बहुत बड़ी ये बिजनेस करने की ये कुछ भी नहीं है, शुरुआत करके देखिए फ्रेंड्स, और सब कोई हम कर सकते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोगों को भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज तो सब करता है और सब करा सकता है। तो थैंक यू सर। थैंक यू रंजीत जी। मैं चाहूंगा आप अपना वीडियो ऑन करें एक बार। वाह, तो बहुत ही शानदार है रंजीत जी। और मैं चाहूंगा जो लीडर्स इनको सुन रहे हैं, क्या आप अपना रिस्पांस दिखा सकते हैं कि जो उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये पटना में बैठे हैं और आज तक शायद मैंने इनको बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग नहीं दी है और इन्होंने ट्रेनिंग में आके 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 सीखा है और आज जो इतने शानदार तरीके से इन्होंने बताया है, तो मैं चाहूंगा सभी लीडर्स इनका मनोबल और उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा। कैन यू जस्ट चैट में सभी लोग सब बताएंगे तो पता चलेगा हमारे रंजीत जी ने कैसा समझाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा है जो कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से नॉनस्टॉप इन्होंने बताया है, तो सुपर रंजीत जी, सुपर, बहुत ही शानदार है, मजा आ गया। मतलब थैंक मुझे यू लग सर। नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा प्लान मैंने आपका सुना है, और मैंने कभी भी हम लोग पटना में तो शायद एक दो बार मिले और कभी भी आपका बिजनेस प्लान नहीं सुना, और आज आपको बट वो कॉन्फिडेंस वो बिलीफ मुझे आप पे आ गया था क्योंकि मैंने आपको सुना था एक शेयरिंग में और वहां से मुझे नजर आया कि आप बहुत अच्छे स्पीकर और बहुत ट्रेनिंग बनेंगे। तो थैंक वाकई यू सर। बहुत अच्छा बोला है और आप बहुत अच्छा करेंगे और जल्द ही हम आपको बहुत अच्छे बड़े लेवल पे देखेंगे। एक स्टूडेंट होते हुए आप SCD पे आ चुके हैं, हाईएस्ट 22-23 हजार का चेक ले चुके हैं, मलेशिया अचीव कर चुके हैं, आपकी टीम में मलेशिया हो चुका है, वो भी 70 साल की लेडीज को आपने मलेशिया पहुंचने में सिखाया, और दो लोग आपके विशाखापट्टनम, इट्स रियली रियली अचीवमेंट। अपलाइन यहाँ है, आप अकेले वहां काम कर रहे हो, दिस इज अमेजिंग, वाओ, दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। और ये कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा मोहर है,
बच्चे के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, वो नजर आ गए और आप एक जीबीडी हैं और बहुत सफल जीबीडी बनेंगे, है ना। तो दिस इज आप सभी लीडर्स की तरफ से आपको मैं यही कहूंगा कि आपने आज सबका दिल जीत लिया है, राइट। सो वेरी गुड, फंटास्टिक, ऐसे ही आप सीखते रहें। और सीखने का एक ही तरीका होता है, जो है कि मीटिंग्स अटेंड करें, ज्यादा अपने आप प्रैक्टिस करें। कैसे किया रंजीत जी आपने, 2 मिनट में आपको चाहूंगा, कैसे सीखा आपने? सर जितने भी मीटिंग्स होते हैं हम सबको सुनते हैं, कहा जाता है कि जो जितना सुनेंगे वो उतना ही अच्छे बोल पाएंगे। मेरे को तो पता नहीं है कि मैं क्या क्या बोला फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, ऐसे ही आप देते जा रहे हैं, लेकिन बस हर मीटिंग को हम कहेंगे कि फ्रेंड्स आप सुनते जाएं और सुनते सुनते आपको यूं ही ये सब चीज होता चला जाएगा। और प्रैक्टिकल ये है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप जब खरीदारी करते हैं, जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज होते हैं, तो आप ये स्वतः ही बोलेंगे। और उससे पहले कि आप यूज करें, यूज करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया और इस प्रोडक्ट्स को मैंने जाना समझा, तभी हम शेयरिंग करना शुरू किया। आप पहले हमारे कुछ भी प्रोडक्ट हो उनको आप जानिए, और जानने के लिए आपको सिर्फ आपको फील करने की जरूरत है। कहा जाता है कि यूजर इज बेस्ट प्रमोटर। हम भले कोई ये नहीं थे, प्रमोटर नहीं थे मार्केटिंग का, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ने हमें प्रमोटर बना दिया। और इस प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ हम करते हैं, वही चीज कराते हैं। आज थैंक यू सर, मैटी गार्ड तो मैंने पहले खरीदा था लेकिन नहीं लगा पा रहे थे कईक को, आज मैटी गार्ड आपने कहा कि करो करो करो, मैटी गार्ड भी हमने अपने से वो सारा कर करके सीख करके लगा लिया। और उसके बाद मैंने 2 लोगों को भी लगा दिया मैटी गार्ड। थैंक यू सर, आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। पथ बड़ी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आपको करने से, आत्मविश्वास कहता है ना कि वो कहीं से लाने और खरीदने की चीजें नहीं है, वो आपके अंदर से आता है। और जो आप करते हैं अप्लायंस के बाद मानते हैं, तो आपके अंदर वो बिलीव का जो पावर होता है ना, वो स्वतः ही आ जाता है। ऐसे नहीं आ जाता है बस ये कि खरीद लिया, ये खरीदने की चीज नहीं है। आपको ये मनोबल को खुद से बनाना पड़ेगा कि नहीं, हमको करना है तो करना है। कोई भी आप जान लीजिए कि हम गांव में हैं, हमारे तरफ आंधी तूफान सब आया है, लेकिन हम अपने मोबाइल को डाटा को बचा के रखते थे कि कभी ये ना हो जाए। हमारा आज प्रेजेंटेशन है, हम इशू भी कर सकते कि सर मेरे साथ ये हो गया, और होता है प्रायः डेली होता है, लेकिन हम ये रहते हैं कि हम हर कंसल्टेंट से बात करें, हर लोगों से बात करें, अपनी बातों को शेयर करते रहे। हमको कहा जाता है ना कि बंद पानी यूं रख दिया जाए तो वो गंदा हो जाता, बहता पानी बनिए, कभी भी गंदा नहीं होंगे, बढ़ता जाएगा, देते जाइए। बस सर आप जैसे कहते हैं, आप जैसे गुरु मिले वहां से भी क्या है, आप जो भी हमें देते हैं डायरेक्शन, हम चलते हैं और सीख पा रहे हैं। और अभी भी एक विद्यार्थी बनकर के सीखूंगा और इसको बेहतर करने के लिए। और जो हमारे साथ जो हमारे टीम का मेंबर हैं, हम कोशिश करते हैं कि सब हमसे भी ज्यादा हाईएस्ट चेक कमाए, हाईएस्ट लेवल पर जाए। हम अपने हर डाउनलाइन में जो भी हमारे मेंबर्स हैं उसको कभी डाउनलाइन की तरह नहीं देखते हैं, बस हम अपने समान देखते हैं और हम अपने से ऊपर भी देखते हैं। आप किसी भी हमारे मेंबरशिप में जो भी कंसल्टेंट हैं, आप पूछ करके देखिए आप ऐसा कर सकते हो, सबको यही कहते रहते हैं और सब बेहतर कर रहे हैं। आज बहुत कोई सुन भी रहे हैं इस मीटिंग में और सब कोई बेहतर कर रहे हैं। सर थैंक यू सर, आपका ही देन है और हम आपके ही कहे हुए पर चल रहे हैं। सर थैंक यू, सर थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सम्मान देने के लिए। ये आपकी मेहनत है और आप सीख रहे हैं, दैट इज सिखाते तो सबको हैं बट सीखते कितने वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी जो एटीट्यूड है, मैं एटीट्यूड पे आज बात करना जा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अब कमेंट्स अब रोक दिए जाएं और अब हम बात करेंगे आगे की। तो बहुत बढ़िया रहा,